कड़ाके की ठंड में बंद स्कूल से लाखों की चोरी। बता दे चलिए, स्कूल राजद के एक बड़े नेता का है जिन्होंने अलीनगर से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। बाल कल्याण पब्लिक स्कूल पाली के लेखा विभाग में ताला तोड़ के बंदूकधारी चोरों ने 3 लाख रुपए नकद उड़ा लिए। अभी आप CCTV फुटेज का दृश्य देख रहे हैं। घनश्यामपुर थाना क्षेत्र स्थित बाल कल्याण पब्लिक स्कूल पाली के लेखा विभाग गेट का ताला तोड़ा। रात्रि में तकरीबन 3 अज्ञात चोर एवं बदमाशों ने लेखा विभाग में रखे अलमारी से लगभग 3 लाख रुपए नकद और कुछ ज़रूरत की कागजात चोरी कर ले गए हैं। विद्यालय कार्यालय में लगे CCTV कैमरे के अंदर सब कुछ कैद कर लिया गया है। यह घटना रात के तकरीबन 11:14 के पास से लेकर के तकरीबन 11:40 का यानी 20 से 25 मिनट के अंदर चोरों ने हाथ सफाई कर दी। 3 अपराधियों के हाथ में पिस्तौल भी है जो साफ तौर पर इस CCTV कैमरे में देखा जा रहा है। विद्यालय के निदेशक अमीर चंद झा ने बताया कि यह चोरी की घटनाओं में पूरे विद्यालय परिसर में दहशत का माहौल है। विद्यालय में चोरी की घटना से प्रखंड क्षेत्र में दहशत का माहौल हो गया है। ठंडा बढ़ने के कारण लगातार दरभंगा के विभिन्न स्थलों से खबर आ रही है कि कभी सोने के दुकान में चोरी हो रहा है, कहीं पे लोहा यानी जो सीमेंट बालू होता है छौर का होता है वहाँ से चोरी हो रहा है। जैसे पिछले दिनों खबर चली जहाँ पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा करेंगे हायागढ़ का, वहाँ से कुछ दिनों पहले छौर की चोरी हुई थी। इस चोरी को लेकर के जो स्कूल के जो मालिक हैं उन्होंने क्या कहा उसे हम आपको सुनाते हैं। विद्यालय के लेखापाल हैं श्री फूदन झा जी, वो सुबह सुबह भगवती सरस्वती की पूजा करते हैं। 5 बजे सुबह अकाउंट सेक्शन के बगल में ही भगवती सरस्वती की मूर्ति है, उसमें जब पूजा करने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि अकाउंट सेक्शन का दरवाज़ा खुला हुआ है, ताला टूटा हुआ है। तो उन्होंने मुझे सूचना दी जो सर ऐसे ऐसे घटना घट गई है। उसके बाद आए तो सारी बात की जानकारी मिली। कितने की चोरी हुई है ये तो मामला है अकाउंट सेक्शन का है, लेकिन वही फूदन झा जी जो गैस रखे थे, क्योंकि अभी विद्यालय बंद है और पेमेंट वगैरह करना था, स्टाफ लोग पेमेंट लेते हैं, तो उस क्रम में उन्होंने जानकारी दी है। एक्यूरेट तो नहीं आया है लेकिन 3 लाख के आसपास, अब उससे थोड़ा अधिक हो या कम हो, लेकिन उन्हीं के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार लगभग 3 लाख की घटना है।